सुस्वागतम। मैं हूँ सचिन वसंत बेरड़े, सहायक शिक्षक। मैं श्री रामचंद्र धोनचेट पाटने ज्ञानदीप विद्या मंदिर, भड़गांव, तालुका खेड़, जिला रत्नागिरी, इस पाठशाला में काम करता हूँ। मैं कक्षा पांचवी को हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। यह हिंदी विषय का पाठ्य पुस्तक है और मेरे प्यारे छात्रों, आज हम गड़ाधन इस पाठ के बारे में अधिक जानकारी लेने वाले हैं। तो गड़ाधन यह एक कहानी है। यह कहानी एक किसान और उसके चार बेटे के बारे में हमें इस कहानी में जानकारी मिलती है। कहानी का मूल हेतु या उद्देश्य परिश्रम का महत्व बताना यह है। तो हमारे मानव जीवन में परिश्रम का महत्व बहुत ही है और परिश्रम करने से ही आदमी बड़ा बन जाता है, अपने मुकाम तक पहुंच जाता है, जो कुछ वह हासिल करना चाहता है वह परिश्रम के माध्यम से ही हासिल कर देता है। यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। तो मेरे प्यारे छात्रों, देखते हैं आज हम गड़ाधन इस कहानी के बारे में। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके चार बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों की भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। देखिए छात्रों, एक सुंदरपुर नामक गांव था। जैसे हमारा गांव होता है और हमारे गांव का एक नाम होता है, उसी प्रकार एक गांव था और उसका नाम था सुंदरपुर। और उसी सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक एक किसान रहता था। यानी कि सुंदरपुर के रामदीन नामक किसान के बारे में यह कहानी बताई गई है। उसके कितने बेटे थे? उसके चार बेटे थे। देखिए, पुराने जमाने में हम देखेंगे तो चार पांच बेटे रहते थे, बेटियां थी भी होती है। तो उसी प्रकार एक किसान होकर भी उसके पास चार बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था,
पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। लेकिन रामदीन के बारे में यदि हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तो रामदीन स्वयं बहुत ही परिश्रमी था। परिश्रमी यानी परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला था। लेकिन दुख की ये बात थी कि उसके चारों बेटे मात्र आलसी थे, कुछ काम नहीं करते थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। देखिए, जो बेटे आलसी होते हैं, वह काम के बिना इधर उधर घूमना, इधर उधर जाकर बैठना, गप्पे मार लेना, इसी प्रकार की काम करते हैं। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। बेचारा रामदीन हर वक्त यही विचार करता था कि मेरे ये चारों बेटे का क्या होगा, उनका ये अल्लड़पन है, उनका ये बचपन है, ये कब गुजर जाएगा, कब ये परिश्रमी बनेंगे, अपने काम में लगन लगाएंगे, रुचि लगाएंगे। इसी सारे विचार में वह हमेशा रहता था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। हमेशा दिन रात वही यही सोचता रहता था। माँ बाप होते हैं, पिताजी होते हैं, उनको अपने बेटे के या बेटियाँ हो तो बेटी की चिंता तो हमेशा सताया करती है। वे अपने बारे में कम, लेकिन अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा विचार करते हैं। उसी प्रकार यह रामदीन भी अपने बच्चों के बारे में हमेशा विचार करता था। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। देखिए, अपने माँ बाप जो होते हैं, वह हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भविष्य में हमारे बेटों का क्या होगा, बेटे कैसे ज़िंदगी जिएंगे। वे अपने बारे में कम, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में हमेशा सोचा करते हैं। देखिए, हमारे माँ बाप भी हैं, और हमारे माँ बाप भी हमारे भविष्य के बारे में कितने चिंतित होते हैं, यह हम इस पाठ के माध्यम से जान सकते हैं। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। हमेशा वह यही विचार में डूबा रहता था, तो एक दिन ऐसे ही सोचता रहता था, उसी वक्त रामदीन के पत्नी ने उसे एक उपाय सुझाया। कि उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। रामदीन के पत्नी ने उसे एक बहुत ही अच्छा सुझाव सुलझाया, उससे वह खुशी से समान पाया। ये देखिए, रामदीन, उसकी पत्नी और ये उनके चार बेटे हैं। अगले दिन क्या हुआ देखिए। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने
अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वह मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। देखिए आगे क्या बताया है कहानी में। जो उसकी पत्नी ने रामदीन के जो उपाय सुलझाया था वह इस प्रकार का था कि जब दूसरे दिन सुबह होने के बाद रामदीन ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें उनको एक बात कह दी कि मैं और तुम्हारी माँ हम दोनों अब बूढ़े हो गए हैं और इसलिए हम कहीं दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी सब जिम्मेदारियां होती हैं ख़त्म होती है और वो अपना जो बचा हुआ जीवन है बचा हुआ जो उनकी आयु होती है वो भगवान के दर्शन लेने में गुजर लेना चाहते हैं। उसी प्रकार यह रामदीन और उसकी पत्नी दूर तीर्थ यात्रा पर जाने का सोचते हैं। तो वह अपने बेटों को यह कहता है कि मैंने अपने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। हमारा जो खेत है उस खेत में मैंने धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। यदि आपको कभी उस धन की ज़रूरत पड़े तो क्या कर लेना, खेत में जाकर उस गड़े हुए धन को आप उपयोग कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। देखिए गड़े धन की बात सुनकर वो चारों बेटे खुश हो गए और अभी कुछ दिनों के लिए हमारे माता पिता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं उस बात पर भी वो खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि उनको अभी पिताजी का बंधन नहीं रहने वाला था। बंधन यानी कि पिताजी या माँ होती है घर पर तो हमें वह बताती है ये मत करो वो मत करो, इधर बैठो उधर बैठो, पढ़ाई करो, कुछ काम करो, इस प्रकार का वे हमें क्या करते हैं दिन भर संस्कार करते हैं, लेकिन वो संस्कार हमें पसंद नहीं होते। इसलिए ये बेटे अपने माता पिता के तीर्थ यात्रा की बात सुनते ही खुश हो गए। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद क्या हुआ वो हम देखेंगे। पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई, उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। देखिए पिताजी और उनके माता जी तीर्थ यात्रा पर चले गए और उसके बाद इन चारों बेटे ने जो घर में बचा हुआ या रखा गया जो खाना था, जो धन था, जो धान्य था, वही खा रहे थे। कोई काम नहीं करते थे क्योंकि वो मूलतः आलसी थे। अभी
जो घर में बचा हुआ धन या धन था तो अब समाप्त हो गया, अब क्या करेंगे? यदि जिंदा रहने के लिए हमें धान्य और धन की ज़रूरत होती है, लेकिन इनको परिश्रम करने की आदत नहीं थी। जो पिताजी ने और माँ ने रखा था वही वे आज तक खाते आ रहे थे। अभी वे सोचने लगे और उनको वह बात याद आ गई, उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई, जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। पिताजी और माताजी ने जाते समय यानी कि तीर्थ यात्रा पर जाते समय यह कहा था, यदि आपको ज़रूरत पड़ गई तो क्या कर लेना, खेत में मैंने जो धन गड़ा हुआ है उसे निकाल लेना और अपनी ज़रूरतें पूरी कर देना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। जो गड़ाधन के बारे में सोच रहे थे, वो गड़ाधन पाने के लिए वो खुशी खुशी खेत पर चले गए और वो गड़ाधन पाने के जोश में उन्होंने पूरा खेत उन खोद लिया। उनका जो खेत था उस खेत की सारी खेत की खुदाई की, लेकिन उन्हें कहीं भी धन नहीं नजर आया। कैसे आ सकता है? उसके पिताजी ने एक यह चाल ही बनी थी, क्योंकि ऐसे मौके से ही वे खेत जाएंगे और धन प्राप्त करने के जोश में वे काम करने लगेंगे, परिश्रम करने लगेंगे। यह सोचकर ही उसके पिताजी ने यह उनको बात बताई थी। अभी वे बहुत थक गए और उसके बाद वे अपने घर आए। घर आते समय उनके पिताजी के परम मित्र, उसका नाम था हरिनाथ, वे उनके रास्ते में मिले। उन्होंने कहा और उन्होंने सलाह दी कि बेटों, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। रामदीन के दोस्त हरिनाथ जी ने उन अपने दोस्तों के बेटे को यह सलाह दी कि आपने तो खेत खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया और उन्हें यह बात समझ आ गई, पसंद आ गई कि यदि हमने ये खेत खोद ही लिया है तो क्यों न हम उसमें बीज बो दें। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे।
फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे सफल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। देखिए, हरिनाथ चाचा के कहने पर उन्होंने क्या किया। अपने खेत में बीज बोकर खेती की और उसमें उस खेत में नन्हे नन्हे अंकुर भी निकल आए और वो उत्साह से खुश हो गए। उन्होंने निराई गुड़ाई भी की और उसके बाद अच्छी फसल आने के बाद हरिनाथ चाचा को, हरिनाथ काका को उन्होंने धन्यवाद दिया। फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने के लिए तैयारी में जुट गए। अभी जो उनके खेत में जो फसल आई थी वो बहुत ही अच्छी थी और वो सब धान्य लेकर बाजार जाने के लिए तैयारी करने में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बारे में देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। देखिए, वे सब धान्य लेकर बाजार जाने वाले ही थे तब उनके माताजी और पिताजी तीर्थ यात्रा समाप्त होने पर घर लौट गए। अपने माताजी और पिताजी को देखकर उन चारों बेटे ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में उनके जो लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, वो खुश हो गया और मन में ही हंसने लगा और अपने बेटों को वह कहने लगा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। वो अपने बेटों को पूछता है कि मैंने जो खेत में धन गड़ा रखा था वो अब तुम्हें समझ आ गया है, वो मैंने क्यों इस प्रकार से कहा था। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो छात्र, जो वो चारों बेटे आलसी थे, उनका वह आलसी स्वभाव दूर करने के लिए रामदीन को यह काम करना पड़ा, यह युक्ति उसे करनी पड़ी कि यदि इस प्रकार हम नहीं करेंगे तो यह मेरे चारों बेटे ऐसे ही आलसी रहेंगे। इसलिए उन्होंने यानी कि उनकी पत्नी चारों बेटे की माँ ने ही यह सलाह उनको दी थी। इसी प्रकार जो आलसी थे वे अब परिश्रम करने में जुट गए। उन्होंने खेती की, अच्छी फसल आई और वह उनको उनका जो आलसीपन था वह दूर हो गया। पाठ्यपुस्तक निकाल कर आप फिर से यह इस पाठ का पठन कीजिए। धन्यवाद।